करंटली जो हालात चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसके बारे में सर आपका क्या विचार है कि ये युद्ध जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रशिया जवाबदार है, रूस जवाबदार है कि यूक्रेन? तो आपका इसका आपका फर्स्ट ओपिनियन क्या है आपका इसके बारे में? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि युद्ध जो होता है वो एक कूटनीतिक विफलता होती है। इसके लिए कोई एक देश जिम्मेदार नहीं होता, इसके लिए उस समय की जो नेतृत्व होता है वो जिम्मेदार होता है। तो हम किसी एक देश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ये कलेक्टिव लीडरशिप फेलियर है नेटो की, रशिया की, अमेरिका की, यूक्रेन की, सब लोगों की। तो कोई एक देश जिम्मेदार नहीं है, ये पूरा ही नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। आपका जो इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो आप हमें समझा सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बारे में अभी जो ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या इसके बारे में हिस्ट्री और जो आप हमें बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये युद्ध ड्यू था। ये इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जब जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी यूक्रेन में उसके खिलाफ रिवोल्ट हुआ और वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लेके उनके साथ जाना चाहती थी। तो इसकी शुरुआत तो उसी टाइम पे हो गई थी। लेकिन उसके बाद ना 8 साल का टाइम मिला वर्ल्ड के सारे लीडर्स को इस समस्या को सुलझाने के लिए। तो जो वहां पे गवर्नमेंट हुई वो भी विफल रही कि ये समस्या को सुलझाएं। नेटो देशों ने भी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की और रशिया ने भी शायद उतना एफर्ट्स उस टाइम पे नहीं लगाया और हमने 8 साल का समय बर्बाद कर दिया और पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध के मुहाने पे हमने खड़ा कर दिया जिसको हम अवॉइड कर सकते थे। तो मुझे तो लगता है ये 2014 से ही चल रहे हैं और उसके कारण ऐसा हुआ कि धीरे 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 करके ये समस्या बड़ी होती रही और अब इस समय पे आ गई है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो दुनिया के बड़े देश हैं वो इस समस्या को सुलझा लेंगे। जैसे अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी बातचीत होने जा रही है बेलारूस में, तो उम्मीद तो है कि ये जल्दी समस्या सुलझ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि समस्या की जड़ क्या है। तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि अब पता तो नहीं चलता कौन देश क्या सोचता है या कौन सी देश का राष्ट्रपति क्या सोचता है, लेकिन मैं आपको वो बताना चाहूंगा जो कि रशिया के प्रेसिडेंट ने अपने देश को एड्रेस करते हुए बोला था कि वो क्यों ये युद्ध लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ बड़ी बातें बोली जो मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि 30 साल हो गए कोल्ड वॉर को खत्म हुए और 30 साल में काफी बार रशिया ने अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की वेस्टर्न कंट्री के सामने और नेटो देशों के सामने, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। तो एक तो उन्होंने ये कारण दिया कि इतना कुछ होने के बाद भी वेस्टर्न कंट्री से उसके रिलेशन अच्छे नहीं हो पाए। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि उन्होंने एक बाउंड्री लाइन खींची थी कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहे नेटो बना लें या फिर कोई भी सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे जो पहले से रशिया का प्रभाव है, रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, पहले से यूएसएसआर के साथ काफी सारे देश उनमें से थे, वहां पे अगर कोई सैन्य गठबंधन को आप आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रूस को भी कंसर्न्स हैं, उनकी कंसर्न को एड्रेस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको शायद जो नेटो कंट्रीज हैं या वहां के जो ईस्ट यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने इग्नोर किया और वो टेबल पे तो बातचीत तो हुई लेकिन वो कभी कंक्लूड नहीं हुई। तो उन्होंने हमेशा से डिनाई किया कि रशियन का कोई इन्फ्लुएंस वहां पे है। तो ये दूसरा कारण उन्होंने गिनाया। तीसरा कारण उन्होंने गिनाया जो मुझे बोलते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, तो उन्होंने जो बोला उसमें मुझे नजर आया कि जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद हमने कोल्ड वॉर देखा। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया की ताकत कमजोर हो गई। तो उन्होंने जो रशियन प्रेसिडेंट ने बोला, मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो सच है कि नहीं है वो मैं नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि रशियंस को बुली किया गया एक तरह से, जहां जहां रशियन अलाई थे या जो ऐसे देश थे जो रशिया के इन्फ्लुएंस में थे वहां पर रिवोल्ट कराए गए, उनको रशिया के अगेंस्ट किया गया। और उनके इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, इसके लिए उन्होंने बोला कोसोवो का उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया 1999 का और भी सीरिया का एग्जाम्पल कोट किया, जहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं
उन्होंने जो रशियन इन्फ्लुएंस था उसके अगेंस्ट में जाके कार्रवाई करी। तो ये उन्होंने एक रीजन गिनाया। उसके बाद उन्होंने जो चौथा रीजन गिनाया वो ये था कि जो साउथ रशियन कंट्री रशियन रीजन्स हैं वहाँ पे एक अलग तरीके का देश स्थापित करने के लिए जो वहाँ के सेपरेटिस्ट थे उनको भी समर्थन नेटो की तरफ से दिया गया, ऐसा उस दिन रशियन प्रेसिडेंट ने बोला। तो ये भी एक कारण वो मानते हैं कि उनको लगता है कि अगर नेटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको नहीं रोका गया तो वो अपने जो राष्ट्र है उसकी संप्रभुता को कायम नहीं रख पाएंगे। ये उन्होंने बड़े रीजन गिनाए। और उसके अलावा एक रीजन जो हम सबको पता है जिसके बारे में तो अभी बात भी हो रही है कि यूक्रेन में जो 2014 से चल रहा है उसको कंक्लूड नहीं हो पाया। वहाँ पे अभी भी यूक्रेन की जो सरकार है उसको वेस्टर्न कंट्री से नेटो से समर्थन मिल रहा है, वेपन्स मिल रहे हैं, और जो रशियन स्पीकिंग रेबल्स हैं उनको रशिया से भी सपोर्ट मिल रहा है, कुछ वॉलेंट्री सपोर्ट वहाँ से उनको मिल रहा है, लेकिन वो लड़ाई 2014 से जारी है और उस लड़ाई में कहीं ना कहीं यूक्रेन का पलड़ा भारी होता जा रहा था और जो रशियन रेबल्स थे वो एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रह गए थे और उनको उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा था। तो ये सारे रीजन उन्होंने गिनाए कि वो एक प्रियम्प्टिव रशिया पे ऑपरेशन करना चाहते हैं जहाँ से वो रशिया की प्रेजेंट रिजीम है जो उनके खिलाफ है, जो उनके देश के लोगों के खिलाफ है, और वहाँ पे जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनके खिलाफ है, उसको हटाना चाहते हैं और जो नेटो का समर्थन करती है, क्योंकि रशिया ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि ईस्ट यूरोप में वो नेटो जो गठबंधन है, जो एक मिलिट्री अलायंस है, उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते क्योंकि वो उनके देश के लिए खिलाफ है। ये रशिया का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया इस बारे में क्या सोचता है। और जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने देशवासियों को जब एड्रेस किया तो उन्होंने क्या बोला उनको कि ये लड़ाई लड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो उन्होंने ये बोला उसके बाद जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है उसमें भी सुधार देखने को मिला है। और मैंने ऐसा पढ़ा है कि उनकी जो रेटिंग पहले 60% के आसपास होती थी वो उनके इस एड्रेस के बाद में और उस कदम के बाद में 69% हो गई। हालांकि हम वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी सारी ऐसी खबरें भी देख रहे हैं कि जो वॉर है उसके अगेंस्ट में रशिया में प्रोटेस्ट भी हो रही है, लेकिन दोनों ही बातें सच हैं, उनकी जो रेटिंग है वो भी सुधरी है। और जो लोग लड़ाई नहीं चाहते, जो उनको लगता है कि कोई और समाधान भी हो सकता है मुद्दे का, वो लोग ये युद्ध के खिलाफ भी सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने आपको बताया कि रशिया क्या सोचता है कि क्या कारण है। अब अगर दूसरे पक्ष की बात किया जाए तो नेटो के तरफ से यह है कि वो प्रिंसिपल उनका है एक कि कोई भी स्वतंत्र देश है वो स्वतंत्र है कि वो किसी भी अलायंस में शामिल हो सकता है। देखिए ये किताबी बात तो है एक तरह से अगर मैं आपको बोलूँ तो, और उनको ऐसा लगता है कि हम किसी भी देश को मना नहीं कर सकते कि वो हमारे गठबंधन में शामिल ना हो। तो ये उनका रुख है, आप इसको भी अब गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन देखिए दोनों तरफ से अगर कोई समस्या का समाधान करना है तो एक बीच का रास्ता हमेशा होना चाहिए, और यहाँ पे कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ये युद्ध इतना विकराल रूप लेता जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि अभी तो ये शुरुआत है, ये बहुत बड़े एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से आगे भी बढ़ सकता है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि अभी जो बातचीत शुरू हुई है वो सही डायरेक्शन में जाएगी और जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने देश की जनता और अपने सोल्जर्स का हित ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे, न कि अपने सहयोगियों, दूसरे देशों और किसी और के इन्फ्लुएंस में आएंगे, तभी समस्या का समाधान होगा। अगर इसको एक देश की जीत और दूसरे देश की हार के रूप में अगर वो देखते रहे तो नुकसान ज़्यादा होगा। और मैं तो कहूँगा कि सोल्जर्स भी जो अगर इस देश में शहादत होती है दोनों ही तरफ से तो वो भी उनके भी परिवार होते हैं, तो उसको भी रोका जाना चाहिए। और किसी भी टाइप का ह्यूमन लॉस तो कहीं पर भी होता है, किसी युद्ध में होता है या फिर किसी महामारी की वजह से होता है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरा विचार था कि ये युद्ध क्यों हुआ और इसको कैसे रोका जा सकता था। तो सर अभी ऐसा हो रहा है कि रशिया ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि रशिया कितने दिन तक, मतलब रशिया का मेन मोटिव क्या है, पूरा यूक्रेन चाहिए, उसका कुछ पार्ट चाहिए, उनको लगता है कि जेलेंस्की नहीं चाहिए, मतलब अभी आपको क्या है, आपको क्या लग रहा है कि रशिया का मेन पॉइंट क्या है कि जिस पे आकर वो थम जाएंगे कि पूरा यूक्रेन चाहिए, कि सरकार का बदल चाहिए उनको, इसके
इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका आंसर हमें पता होना चाहिए। तो कुछ वेस्टर्न मीडिया जो बोलता है कि रशिया ने आक्रमण किया, भारत का रुख ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने बड़े सदे अंदाज में ऐसे प्रतिक्रिया दी है, और भारत को लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट है और उसी रूप में उसको देखा जाना चाहिए। तो अब रशिया को अगर मैं देखूं, मैं पिछले 10 साल का वो देखूं, तो बेलारूस जो है वो रशिया के साथ जाना चाहता है, ये सारे लोगों को पता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि रशिया को किसी पे पूरी तरह से कब्जा ही करना होता, तो बहुत सारे देश हैं जो उसके साथ मिलना चाहते हैं, तो उसने कभी इस रूप में लिया नहीं। और बेलारूस और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी उस पर कब्जा करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। तो मुझे ये रीजन भी नहीं लगता है कि वो चाहते हैं कि रशिया कभी यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा जरूर चाहता है कि वहां पे ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि उनका उनकी तरफ सोचे और उनके कहने से चले, या फिर उनकी तरफ देखे, न कि नेटो कंट्रीज की तरफ देखे। तो उन्होंने पहले से क्लियर किया है कि वो चाहते हैं कि सरकार या तो अपना रुख चेंज कर ले, जो उनका नेटो प्रो नेटो रुख है वो चेंज कर ले, या फिर वो सरकार को हटाना चाहते हैं, ये उन्होंने साफ बोला है। और दूसरा, मैं नेटो की अगर यूक्रेन की तरफ से बोलूं, तो यूक्रेन में भी जो नेशनलिस्ट हैं, जिनको हम बोलते हैं राष्ट्रभक्त, जिनको बोलते हैं दक्षिणपंथी भी कई बार बोलते हैं, तो वो लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में मजबूत हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम ये हमें अधिकार मिलना चाहिए कि हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, या हम नेटो के साथ जाना चाहते हैं, या हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। और वो उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते। तो देखिए, जब दोनों तरफ से हम बोलें कि दोनों में कोई किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते, तो सोचना चाहिए ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं उसमें जो उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो अपने देश को लीड कर रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, जो उन देश के जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत हो रही है, उनको रोकने के लिए बातचीत करनी चाहिए और किसी न किसी समझौते पर जल्दी से पहुंचना चाहिए, ताकि ये जो अभी हो रहा है उसको रोका जा सके। तो मुझे तो मैं तो एग्री नहीं करता कि रशिया चाहता है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा करेगा। उसका वो यही चाहता है कि यूक्रेन उनके इन्फ्लुएंस में बना रहे, उसका यही मोटिव है। और यूक्रेन हमेशा अभी फिलहाल तो यही चाहता है कि वो नेटो के साथ ही जाना चाहता है। तो मुझे लगता है जब तक वो ये मांग नहीं छोड़ेगा कि वो नेटो के साथ जाने का अधिकार मिलना चाहिए, तब तक शायद बातचीत भी मुझे लगता है उतनी सफल नहीं होगी। बट उम्मीद पे देखते हैं, उम्मीद तो है कि जल्दी से समस्या का समाधान निकलेगा। अभी सर ऐसा है कि रशिया ने तो बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर वगैरह, तो यूक्रेन में तो तबाही मची हुई है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है, तो फिर भी ये जो उनके प्रेसिडेंट है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने थोड़ी सी चुप कर दी है? उन्होंने अगर पहले ही ये किया होता नाटो में न जाने का समर्थन, तो पूरा देश बच जाता, आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इसको और अच्छी तरह से निपटना चाहिए था, और ये मिसकैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो हुआ है कि उनको लगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईस्टर्न यूरोप तक ही रहेगा, सॉरी ईस्टर्न यूक्रेन तक ही रहेगा और कीव तक नहीं आएगा। तो एक मिसकैलकुलेशन थी, और हम इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बातचीत कुछ और ज़्यादा करनी चाहिए थी। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो हमेशा से ये कहते रहे, अमेरिका बोलता रहा कि हमला करने वाला है, रशिया हमला कर देगा, और उन्होंने हमेशा इसको प्ले डाउन किया और ये बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पैनिक क्रिएट मत करो। तो देखिए, अब मैं उन पर कुछ व्यक्तिगत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो उतने ज़्यादा मैच्योर राजनीतिक मुझे नज़र नहीं आते जितना भी पब्लिकली मैंने उनको बोलते हुए देखा है। तो उनको भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए थे इस युद्ध को रोकने के लिए। देखिए, ये तो बहुत आसान है कि अपने देशवासियों को बोलो कि हम देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहते हैं, और ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन आप पहले ये सारे प्रयास भी होने चाहिए कि उसकी क्या जरूरत है, उसको क्या रोका जा सकता है, क्या कोई और तरीका निकाला जा सकता है। तो उनके पास समय था, लेकिन उस समय को शायद उन्होंने गवाया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी भी अगर इस समस्या का समाधान जल्दी से हो जाता है, तो और फर्दर ह्यूमन लॉस को हम रोक सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि जब मेरे कार्यकाल में रूस की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी देश पर हमला कर सके, उन्होंने बाइडन जो अभी यूएस के करंट प्रेसिडेंट है उनको
को कायर बोला है, ये स्टेटमेंट आपको कैसा लगता है? देखिए इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये हमारे देश में भी होती है, सब देशों में होती है, इसको ज्यादा महत्व तो नहीं देना चाहिए। और अभी जो पावर में है हमें उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो ये राजनीति तो होती रहेगी और इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। और ये ठीक है, वो उनका काम है, वो राजनीति हैं, राजनीति करेंगे, इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका देश का कोई प्रेसिडेंट है तो उसके कमजोरियों को आपको गिनाना चाहिए। तो ये कोई ये नॉर्मल बात है। और मुझे लगता है अभी सिर्फ बाइडेन पर फोकस करना चाहिए कि वो कैसे इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। सर, जो बाइडेन सर ने जो बोला था कि यूक्रेन को आपके साथ हम खड़े हुए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब रूस ने उनको चेतावनी दी तो बाइडेन ने यूक्रेन के साथ सर खड़ा रहना चाहिए था, मगर वो थोड़ा सा मुकरते हुए लग रहे हैं? देखिए ये सही बात है कि उन्होंने हमेशा से बोला हम यूक्रेन का साथ देंगे और उन्होंने दिया भी है यूक्रेन का साथ, लेकिन ये तो उन्होंने कभी नहीं बोला होगा कि हम लोग वहां पर सेना भेजेंगे और सेना भेज के हम साहब के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि उनकी अभी पॉलिसी क्लियर है, क्योंकि जब तक यूक्रेन नेटो का सदस्य देश नहीं है तब तक वो वहां पर सेना नहीं भेज सकते, ये पहले से ही क्लियर था। और ये बात शायद यूक्रेन को भी पता रही होगी, अगर नहीं पता रही होगी तो ये मैं मानता हूं कि उनकी तरफ से गलत फहमी रही होगी, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं था कि अमेरिका वहां जाके लड़ाई लड़ने वाला है, ये पहले दिन से क्लियर था, क्योंकि जब तक वो नेटो का सदस्य देश नहीं होगा तब तक वहां अमेरिका अपनी सेना नहीं भेज सकता, वो भी जब कॉन्फ्लिक्ट किसी बड़े सुपर पावर के अगेंस्ट में है और वो उसका उनके देश को भी नुकसान हो सकता है।